हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर क्लास। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें 35 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास लिए गए हैं, जो कि पूरे साल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी लिए गए हैं। दोस्तों, जो भी बच्चे एसएससी, एमटीएस, एसएससी, जीडी या फिर सीएचएसएल या फिर सीजीएल, दिल्ली पुलिस, सभी क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी जो भी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और ख़ास है करंट अफेयर्स की क्लास। दोस्तों, देखना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपका जो है वेटेज जो है बना रहे। करंट अफेयर, जीके, जीएस सभी की क्लासेस यहाँ पे 4 बजे शाम को होती हैं, तो क्लास के साथ जुड़े रहें। जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। अगर क्लास पसंद आती है दोस्तों, चैनल को, क्लास को लाइक करके हमारा जो है मनोबल जरूर बढ़ाना। आज करंट अफेयर्स की क्लास सेकेंड में देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट, कितने खास क्वेश्चन आपको मिल पाते हैं। मोटिवेशन कोट क्या कहता है गाइस? रास्ते कोई कठिन नहीं, मंजिल कोई बड़ी नहीं, मुसीबतों से जो अड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो दोस्तों, क्या कहता है मोटिवेशन कोट का कहना यही है कि जो रास्ते जो हैं कोई भी जो है कठिन नहीं होते, बस हमें जब तक हम उस रास्ते पे चलेंगे नहीं जब तक हमें वो कठिन लगते हैं, और मंजिल भी कोई बड़ी नहीं है दोस्तों। हमारे अंदर पाने की इच्छा होनी चाहिए मंजिल को, बाकी मंजिल अपने आप, अगर आप मेहनत अच्छी करते हैं तो मंजिल आपको मिल ही जाती है। अगर मुसीबत है ही नहीं तो उस मंजिल का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर किसी ने कोई मतलब शुरू ही नहीं किया है, कुछ किया ही नहीं, तो उसको उसका हारने का कोई वही नहीं। अगर वो समझ लो, अगर कुछ नहीं कर रहा है, आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी हारे ही हैं। अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आपको उसमें असफलता मिलती है, तो दोस्तों आपको उससे जो हारा नहीं माना जाएगा। आप या तो उससे कुछ सीखेंगे और या फिर उसे जीतेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ बने रहें मोटिवेशन के साथ, और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, साजन बनवाल बिकम द फर्स्ट इवर इंडियन ग्रीको रोमन रेसलर टू विन अ मेडल एट द अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। द चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन। तो दोस्तों, साजन भनवाल अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने हैं। चैंपियनशिप डेस में आयोजित की गई थी। कहाँ पे आयोजित की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है स्पेन में आयोजित की गई थी, बाकी ग्रीस, इटली, बेल्जियम, ये सब सारे गलत आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच फुटबॉल प्लेयर हैज़ बिकम द फर्स्ट मैन टू स्कोर इन 5 फीफा वर्ल्ड कप इन नवंबर 2022। तो दोस्तों, कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी नवंबर 2022 में 5 फीफा विश्व कप में स्कोर करने वाला पहला व्यक्ति बन गया था? क्या वो लियोनल मेसी हैं, या फिर सुनील छेत्री हैं, या फिर रॉबर्ट लेवांडोस्की हैं, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन इन हिस्ट्री टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड ब्लिस चेस चैंपियनशिप। दोस्तों, जो विश्व ब्लिस शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? क्या वो चाहत अरोड़ा हैं, मनु भाकर हैं, या फिर रमिता जिंदल हैं, या फिर कोनेरू हम्पी हैं? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है कोनेरू हम्पी जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4th भी सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच इज़ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर द इंडियन नेवी। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए स्वदेश में बनाया गया और निर्माण किया हुआ पहला विमान वाहक कौन है? तो क्या वो INS विक्रांत है, या INS विक्रमादित्य, INS अरिहंत, इनमें से कोई नहीं। INS विक्रांत जो है एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1st सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टाटा ग्रुप इन पार्टनरशिप विद एयरबस हैज अनाउंस्ड टू मैन्युफैक्चर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरक्राफ्ट फोर्स एट डैश इन गुजरात। दोस्तों, टाटा समूह ने एयरबस के साथ साझेदारी में भारतीय वायुसेना के लिए गुजरात के डैश में C295 परिवहन विमान बनाने की घोषणा की है। क्या वो बड़ोदरा, बारूच, जामनगर, या फिर सूरत? तो दोस्तों, बड़ोदरा जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1st यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विथ विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज। दोस्तों, तो भारत के किस देश में हरिमऊ शक्ति अभ्यास करते हैं, किस देश के स्थान हरिमऊ शक्ति अभ्यास करते हैं दोस्तों? क्या वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, मलेशिया? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा
मलेशिया जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आईएफ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस एयर मिसाइल, द मिसाइल वॉज टेस्टेड अगेंस्ट द शिप टारगेट फ्रॉम विच इज एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों आईएफ ने ब्रह्मोस एयर मिसाइल के विस्तारित संस्करण का सफल परीक्षण किया, क्या मिसाइल का परीक्षण किस विमान में शिप टारगेट के खिलाफ किया गया था, क्या वो MiG-29 या फिर Mirage 2000 या फिर डेसॉल्ट राफेल या फिर SU-30 MKI। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा एकदम सही है, SU-30 MKI जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द 13th एडिशन ऑफ इंडियन एंड ज्वाइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार कल्मिनेटेड एट बकलोह इन हिमाचल प्रदेश ऑन 28 अगस्त 2022। भारत में डैश संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण 28 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ दोस्तों, क्या वो अमेरिका या फिर फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो दोस्तों अमेरिका जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द बुक इज रिटन बाय लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, क्या फिर इंडियाज मोस्ट फियरलेस है या फिर मिशन ओवरसीज डेयरिंग ऑपरेशंस बाय द इंडियन मिलिट्री है या फिर आफ्टर मैथ ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक है या फिर द लेजेंडरी गोरखास है। तो फिर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल भी सही हो जाता है, आफ्टर मैथ ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट वॉज नॉट मेड ड्यूरिंग द डेफेक्सपो 2022। डेफेक्सपो 2022 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा जो है नहीं की गई थी। तो नहीं की गई थी क्या पूछा गया है कि वायुसेना स्टेशन सीमा का शिलान्यास किया गया। तो दोस्तों दूसरा क्या पूछा गया है, चौथा सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की घोषणा की गई या फिर मिशन डेफेस्पिन लॉन्च किया गया था या फिर एक नए विमान वाहक पोत का अनावरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है बिल्कुल भी सही है, अ न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर वॉज द अनबिल्ड। तो दोस्तों ये नहीं किया गया था, चौथा नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज नेम ऑफ द सेकेंड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रिसेंटली डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस के दूसरे जहाज का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 12705 मोरमुगाव जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऑन 25 दिसंबर 2022 द यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द प्रपोजल टू बाय अराउंड हाउ मेनी प्रेयरली ब्लास्टिक्स मिसाइल्स टू बी डिप्लॉयड अलोंग विद द चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स। तो दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2022 को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाने वाली लगभग कितनी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दी है। तो दोस्तों वो कौन सी संख्या है, वो है 120 जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाता है, बाकी 140, 160 और 100 जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इक्विपमेंट जोरावर विच विल बी प्रस्यूड बाय द इंडियन आर्मी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय सेना द्वारा खरीदे जाने वाले उपकरण जोरावर का सबसे अच्छा वर्णन करता है, क्या वो तेज गश्ती वाहन है या फिर हल्का टैंक है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है या फिर टैंक रोधी वाहन है। तो दोस्तों इसका हल्का टैंक जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे सही हो जाता है गाइस, हल्का टैंक लाइट टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान फॉर्मर आर्मी कमांडर इज नाउ CDS, ही बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिमेंट। तो दोस्तों पूर्व सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नए रक्षा प्रमुख CDS बने हैं, वे निम्नलिखित में से किस रेजिमेंट से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गोरखा से संबंधित है।
ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द थ्री एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोटोटाइप्स डिस्प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम ईवर बाय द एनसीसी कैडेट्स एट द डीएक्सपो 2022। निम्नलिखित में से कौन डीएक्सपो 2022 में एनसीसी कैडेंटो द्वारा पहली बार प्रदर्शित तीन उत्पन्न प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइप शामिल नहीं करता है? तो दोस्तों क्या वो ऑल टेरेट व्हीकल हैं या फिर यूएवी हैं या फिर हैंड जेस्टर सेटिंग बीओटी है या फिर अनएक्सप्लॉयडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अनएक्सप्लॉयडेड ऑर्डरिंग हैंडलिंग रोबोट जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों क्या पूछा गया है कि अभ्यास हरिमऊ शक्ति निम्नलिखित में से किसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो दोस्तों भारत और जापान, भारत और मलेशिया, भारत और सिंगापुर, भारत और मंगोलिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और मलेशिया जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है कि इन दिसंबर 2022 द यूनाइटेड स्टेट सेंड द पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू विच कंट्री? तो दोस्तों निम्नलिखित में दिसंबर 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश में पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजने की योजना को अंतिम रूप दिया है? क्या वो यूक्रेन है या फिर लीबिया है, मिस्र है, सूडान है? तो दोस्तों यूक्रेन जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव इट इज़ द ड्राफ्ट सोलर पॉलिसी 2022। तो 2022 पॉलिसी रिवाइज द इंस्टॉल कैपेसिटी प्रपोज्ड बाय द 2016 पॉलिसी फ्रॉम 2000 MW टू 6000 MW बाय विच ईयर? तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 में मसौदे को मंजूरी दी थी। 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक किस वर्ष तक संशोधित करती है? तो दोस्तों वो कौन सा साल है? 2025 जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला जो है एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विल रैंक सिटीज ऑन हाउ मेनी बोर्ड पिलर? तो दोस्तों आवाज़ और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई शहर सौंदर्य प्रतियोगिता कितने व्यापक मूल्यों से शहरों को रैंक प्रदान करेगी? तो दोस्तों क्या वो कौन सी रैंक है? क्या वो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है? तो 5 बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु लॉन्च द नेशनल लेजिस्लेटिव पॉलिसी NLP इन न्यू दिल्ली ऑन 17 सितंबर 2022? तो 17 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सरद नीति किसने लॉन्च किया था? क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल या फिर हरदीप सिंह? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन अक्रॉस इन इंडिया? तो पूरे भारत में रेलवे स्टेशन के आधुनिकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? अमृत भारत स्टेशन योजना या फिर स्वच्छ भारत स्टेशन योजना या फिर नव भारत स्टेशन योजना, आधुनिक भारत स्टेशन योजना? तो अमृत भारत स्टेशन योजना जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल भी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फीचर्स ऑफ नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी? निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति की विशेषताओं में से एक है? तो दोस्तों क्या है वो, क्या वो भूस्थानिक उत्पादों और सेवाओं की उपयोग को बढ़ावा देना या फिर भूस्थानिक डेटा से उपयोग अंतर्दृष्टि प्राप्त करना या फिर भारत के भूस्थानीय बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को मजबूत करना या फिर पहला दूसरा तीसरा सभी सही हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही हो जाता है। तीनों सही हैं बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रियंका मोहिते रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल
द टेंथ हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन डिड द स्केल। तो दोस्तों प्रियंका मोहिते हाल ही में दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने निम्नलिखित में से किस पर्वत पर चढ़ाई की है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है माउंट अन्नपूर्णा, जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला जो है सही हो जाता है, माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट लोनसो, बिल्कुल भी गलत है, एक ही सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑफ द किंग सेंटर स्टेट साइंस न्यूक्लियर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड टू बी हेल्ड एट विच प्लेस। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाले अपनी तरह के पहली केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है? क्या वो बेंगलुरु, नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद? तो दोस्तों अहमदाबाद जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द IIBX, जो जिसको कहते हैं कि इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो दोस्तों इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX लॉन्च किया है? तो दोस्तों क्या महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गुजरात, जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहाँ पे सही हो जा रहा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन अगस्त 2022 इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो वॉज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो दोस्तों अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? क्या वो पूना, कोलकाता, बेंगलोर या फिर हैदराबाद? तो कोलकाता जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड एकदम सही हो जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज परफॉर्म इंडेक्स 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फोर कंट्रीज दैट वर रैंक्ड अबव इंडिया। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उन चार देशों में से नहीं है जिन्हें भारत में ऊपर स्थान पर दिया गया है? क्या वो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे या फिर मोरक्को? तो दोस्तों नॉर्वे जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे एकदम सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया, रैंक ऑफ इन इंडिया मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। तो मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों भारत की रैंक 41वीं है, 41वीं रैंक है, याद रखना नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजू श्रीवास्तव पास अवे इन सितंबर 2022, ही वाज अ फेमस, क्या है दोस्तों सारी दुनिया जानती है, अगर आपको पता है तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोस्तों जरूर करना। वैसे भी मैं इसका आंसर बता ही दूंगा कि जो राजू श्रीवास्तव का जो सितंबर 2022 में निधन हो गया है वह एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल भी सही आंसर हो जाता है, आपने देखी होगी टीवी में बहुत सारी इनकी कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द सोवियत कॉस्मोनॉट वो द सेट रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्टे इन स्पेस पास्ड अवे ऑन 19 सितंबर 2022। तो सोवियत अंतरिक्ष यात्री जिनके अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड बनाया उनका 19 सितंबर 2022 को जो है निधन हो गया। तो वो कौन है, क्या वो बॉलेरी पोलोको है या फिर विक्टर मिखाई लोविच अफानासेव है या फिर इवान एनिकेत है या फिर ओलेग ऑर्टेमेव है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बॉलेरी पोलो को, जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी डिक्लेयर इन गुजरात महसाना डिस्ट्रिक्ट एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज ऑन 9 अक्टूबर 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अक्टूबर 2022 को गुजरात के महसाना जिले में डैश को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। क्या वो रामदेव है या फिर बाबरा है, अमरेली है या फिर मोडेरा है?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मोडेरा है, मोडेरा जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, द बुकर प्राइज विनर एंड द ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग वोल्फ हॉफ ट्रायलॉजी पास्ड अवे इन सितंबर 2022, जो बुकर पुरस्कार विजेता और सबसे अधिक बिकने वाले बुल्फ हॉल त्रेई के लेखिका का सितंबर 2022 में निधन हो गया, तो वो कौन है? ये डल्सन स्टुअर्ट हैं, ये फिर मार्गरेट एडवुड हैं, ये फिर डेम हिलोरी मेंटल हैं, ये फिर एलेनोर कैटन हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डेम हिलोरी मेंटल जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ओलंपिक गोल्ड मॉडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैज गिफ्टेड हिज हिस्टोरिक टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड मेडल विनिंग जेवलिन टू द ओलंपिक म्यूजियम इन विच सिटी। तो दोस्तों ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपने ऐतिहासिक टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला को किस शहर में ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दे दिया दोस्तों? तो दोस्तों वो लुसाने शहर है, बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, लुसाने जो है बिल्कुल भी सही है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है। इंडियन आर्मी हैज इंडियन एयरफोर्स हैव कंडक्टेड अ ज्वाइंट एक्सरसाइज डैश इन पंजाब इन सितंबर 2022। तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2022 में पंजाब में एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। तो दोस्तों इसका क्या आंसर है, क्या वो निर्भय युद्ध प्रकरण है या फिर गगन स्ट्राइक है या फिर वज्र प्रहार है? तो गगन स्ट्राइक जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह अप्रूव्ड चेंजिंग द नेम ऑफ द कैंटोनमेंट इन उत्तर प्रदेश टू अयोध्या कैंटोनमेंट ऑन 4 अक्टूबर 2022। तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश में डैश छावनी का नाम बदलकर अयोध्या छावनी करने की घोषणा की है, तो वो कौन सा है? क्या वो फैजाबाद है, मेरठ है, लखनऊ है, बरेली है? तो दोस्तों फैजाबाद जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे एकदम से सही हो जाता है। यस दोस्तों थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए, अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करके और अगर कोई बच्चा नया जुड़ता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि रेगुलरली आपको क्लासेस जो है दोस्तों मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और टेक केयर, बाय बाय।